हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की एक नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत किया जाता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके घर परिवार को ढेर सारी आशीष दे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम लाइट प्रेयर प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी समस्याएँ हैं, सब पिता परमेश्वर से बताएंगे मेरे प्रियो, ठीक है। क्योंकि पिता को हमारा ध्यान है, वही हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वही हमारा पिता है, ठीक है। उसी के पास अधिकार है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि वही हमारे पापों को अधर्मों को क्षमा कर सकता है। और किसी के पास अधिकार नहीं है मेरे प्रियो कि वह हम सभी के पापों को क्षमा कर सके। यह सिर्फ अधिकार सिर्फ यीशु मसीह ही के पास है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। यीशु मसीह ने कहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यीशु मसीह ने कहा है, जो डाली मुझ में नहीं फलती है मैं उसे काट डालता हूँ, और जो फलती है उसे और छाटता हूँ, ताकि वह और फले और फल लाए। मेरे प्रियो, हम सभी को मसीह में फल लाना है, हम सभी को मसीह में फलवंत होना है मेरे प्रिय भाई और बहनों। यीशु मसीह ने कहा है, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सभी को पवित्र बने रहने की आवश्यकताएं हैं मेरे प्रियो। पाप गलती गुनाह नहीं करना है। अगर पाप गलती गुनाह हुए हैं या हो रहे हैं, होते हैं, तो आइए भी इसी वक्त प्रार्थना में पिता के सामने मान लीजिए और उन्हें छोड़ दीजिए, पश्चाताप कर लीजिए। परमेश्वर आपके गुनाहों को माफ कर देगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यीशु मसीह ने कहा है, यदि हम अपने अपराधों को मान लें और दूसरे के अपराधों को क्षमा करें तो आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करने में विश्वासियों की धर्मी ठहरेंगे, हमारे पिता जो स्वर्ग में है मेरे प्रियो। तो प्रार्थना को लास्ट तक सुने और मोबाइल को एक साइड में रख दे, प्रार्थना को काट पीट के ना दिखे, ठीक है। और लास्ट में अमीन बोलकर रिसीव करें। जब अमीन बोलती है तो प्रार्थना पूरी हो जाती है और परमेश्वर के पास पहुंच जाती है, और परमेश्वर अपने हिसाब किताब से उसका उत्तर भी दे देता है, ठीक है। तो चलिए प्रार्थना को शुरू करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ, आपके नाम की जय जयकार करते हैं मेरे पिता। आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणा निधि हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु मेरे पिता। पिता, जो आपने हम सबों को शाम दिखाई पिता, पूरा दिन जिंदा रखा है, जीवित रखा, संभाल कर का सुरक्षित रखा मेरे पिता, ज्योतों के बीच में मेरे स्वामी जीवित रखा मेरे पिता, इसके लिए पिता कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं मेरे स्वामी। पिता, कितने तो होंगे पिता मर गए होंगे, सांसारिक लोग होंगे, अन्य जाति लोग होंगे पिता, जो बिना उद्धार ही के मर गए होंगे, बिना सुसमाचार ही के मर गए होंगे पिता, और नर्क में चले गए होंगे, अपने परिवार वालों से बिछड़ गए होंगे पिता, और वो एक ऐसी जगह चले गए होंगे पिता जहाँ की आग नहीं बुझती है, जाकर कीड़ा नहीं मरता, वो वहाँ पर चले गए होंगे पिता। हम धन्यवाद देते हैं मेरे राजाओं के राजा मेरे पिता, जो आपने हम सबको जीवित रखा है पिता, इसके लिए पिता कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं मेरे स्वामी। उन्हें दे पिता, हम उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, दुआ करते हैं मेरे पिता, जो पूरे विश्वास के साथ पिता इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, और लास्ट में अमीन बनकर रिसीव करें मेरे पिता। पिता, जो बीमार है पिता, जो बीमारी में ग्रस्त है पिता, जो नाना प्रकार की बीमारियों में लिप्त है मेरे पिता, परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से वे चंगी हो जाए पिता, वे हील हो जाए पिता, वे रिलीज हो जाए पिता, वो स्वर्ग की सामर्थ्य तेजो में सामर्थ्य छू ले हर एक जन को पिता। जो हॉस्पिटल में बीमार है पिता, जो हॉस्पिटल में बीमार है पिता, पिता किसी के पास इतना पैसा नहीं है मेरे पिता कि वे अपना इलाज करा सके मेरे पिता, पिता आप उन्हें छू लीजिए पिता। वो आपका छिदा वाला हाथ, दया वाला हाथ, दहना हाथ पिता छू ले हर एक जन को पिता, छू ले मेरे स्वामी। जो हर एक मसीह भाई पिता इस प्रार्थना को सुन रहे, पूरे विश्वास के साथ सुन रहे मेरे पिता, आप उनके बीमारियों को ठीक कर दीजिए पिता, आप उनकी बीमारियों को ठीक कर दीजिए मेरे स्वामी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवादेशु, 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 धन्यवादेशु। पवित्र, पवित्र आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं पिता, आप सर्वशक्तिमान अल्फा अल्फा ओमेगा दुरंत हैं मेरे पिता, आपके ना कोई तुल्य है और ना कोई पाएगा इस जगत में पिता। मृतों को जिलाने वाले, अंधों को दृष्टि देने वाले, कोढ़िये पाजों को शुद्ध करने वाले यहोवा जुलाहर है मेरे पिता। पिता, जो इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, जो पिता गरीब है पिता, जो अपनी गरीबी में जूझ रहे मेरे स्वामी, जो पिता इधर उधर हाथ फैला रहे हैं पिता, ये इधर उधर हाथ ना फैलाने पाए पिता, ये 100-200 रुपए पर पिता इधर उधर हाथ ना फैलाने पाए, भीख ना मांगने पाए मेरे पिता। पिता, आपका वचन कहता है, मैं तेरे हाथ मांगने ले नहीं, मैं तेरे हाथ देने ले बना दूंगा। यस पिता, परमेश्वर पिता, आप इनके हाथ मांगने वाले नहीं, आप इनके हाथ देने वाले बना दीजिए मेरे ईश्वर। पिता, आपका वचन कहता है,
मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ द्वारे खोल दिए जाएंगे। यास पिता आपके नाम से मांगते हैं, पिता आपके नाम से पुकारते हैं, आपके नाम से गुहारते हैं। यीशु मसीह इनके हाथ मांगने वाले नहीं, इनके हाथ देने वाले हो जाए पिता। इनके घरों के ऊपर बरकतें उंडेल दीजिए पिता। स्वर्ग की सामर्थ्य छू ले पिता। उवासी से खुल जाएं, बरकतें खुल जाएं, गरीबी दूर हो जाए आपके नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 आप राजाओं की राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु मेरे पिता। पिता हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो दुखों में है पिता, जो तकलीफों में है पिता, जो किसी बात को लेकर टूट गए हैं पिता, जो रो रहे हैं पिता, जो बिलख रहे हैं पिता, आपके नाम से पिता उनका रोना बिलखना चिल्लाना बंद हो जाए पिता। इनका सुख आनंद में बदल नहीं पाए पिता, इनका सुख आनंद में बदल जाए आपके सामर्थ्य नाम से पिता। पिता आपका वचन कहता है, जैसा कि यीशु मसीह पिता आपने कहा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। यस पिता आपके नाम से मांगते हैं दाऊद की संतान पिता। अपनी प्रजा के लोगों के ऊपर अनुग्रह कर पिता, दया कर पिता, दया कर मेरे स्वामी पिता। जो पिता घबराए हुए हैं पिता, जो डरे हुए हैं पिता, जो डर गए हैं पिता, जो शैतान उनके जीवन में कार्य कर रहा है पिता, आपके नाम से पिता और शैतान के जीवन से पिता को सो दूर जाए पिता। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवादेशु, 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 धन्यवादेशु। पवित्र 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 आप राजाओं की राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु मेरे पिता। पिता जैसा आप पवित्र है पिता, वैसे हम सबों को पवित्र बनाइए यीशु राजा पिता। जहाँ पर आप रहते हैं पिता, वह जगह पवित्र है मेरे स्वामी, वहाँ से पवित्र लोग ही जा पाएंगे मेरे पिता। इसलिए पिता आपने कहा है तुम जागते रहना और प्रार्थना करते रहना, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यास पिता, पिता आपने कहा है तुम सोचते भी नहीं होगे उसी घड़ी में आ जाऊँगा। यास पिता, पिता आपने कहा है तुम जागते रहना और प्रार्थना करते रहना, मैं किसी ना किसी घड़ी भी आ सकता हूँ मेरे पिता। आपने कहा है मेरे पिता, पिता जैसा आप पिता पवित्र हैं मेरे पिता, उसी प्रकार से पिता हम सबों को भी पवित्र बनाइए पिता। पिता आप हम सबों को उन पार समझदार कुंवारियों की तरह पिता बनाइए पिता, तैयार रहें पिता, ज्ञान बुद्धि से परिपूर्णित कर दीजिए पिता, भर दीजिए मेरे स्वामी, सामर्थ्य से भर दीजिए मेरे स्वामी पिता। जो इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे पिता, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है मेरे पिता, जिन घरों में दुष्ट आत्माएं हैं पिता, आपके नाम से दुष्ट आत्माएं इनका घर छोड़कर जाए पिता, वो घर आजाद हो जाए आपके नाम से। हालेलुया। धन्यवादेशु, 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 धन्यवादेशु। पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु मेरे पिता। आप सृष्टिकर्ता मालिक है पिता। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे सेनाओं के यहोवा आपको दिया गया है मेरे पिता। यस हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता, हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। पिता आपने हम सबों से इतना प्रेम किया पिता, कि आपने अपना कीमती रक्त बहा दिया पिता। आपने हम सबों को मोल खरीद लिया है पिता। पिता आपने कहा है तुम दाम लेके मोल खरीद लिए गए हो, या तुम्हारी ओर से नहीं है, या परमेश्वर की ओर से है जो दान मिला है। यास पिता परमेश्वर, पिता हम आपकी महिमा करते हैं, जय जयकार करते हैं, तारीफ करते हैं पिता। पिता जो लंगड़े हैं, जो बहरे हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, जो बोल नहीं पाते, जो चल नहीं पाते पिता परमेश्वर, पिता जिस प्रकार से पिता आपने अद्भुत चमत्कार किए हैं पिता, आपने मुर्दों को जिलाया, हिंदुओं को दृष्टि दिया, कोड़िया पाइजों को शुद्ध किया है मेरे पिता, उसी अधिकार के द्वारा पिता आप इनके जीवन में है पिता। हम उसी वचन के अधिकार के द्वारा पिता इनके जीवन में आदेश देते हैं, आदेश देते हैं पिता। पिता इन्हें चंगाई दीजिए पिता, चंगाई उंडेल दीजिए स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। पिता जिन मसीह भाई बहनों की शादियां नहीं होती पिता, जो शादी को लेकर टूट गए हैं पिता, जो टेंशन डिप्रेशन में चले गए हैं पिता, हम चाहते हैं पिता उनकी शादियां हो जाए मेरे स्वर के पिता, उनकी शादियां हो जाए पिता आपके नाम से पिता। ये उधर ताक झाक में ना लगे रहने पाए पिता, इन्हें शैतान नाश ना करने पाए पिता, शैतान ये नर्क में ना ले जाने पाए पिता। शैतान तो फाड़ना नोचना चाहता है पिता, वह फाड़ने वाला भेड़िया है भेड़िया पिता। पिता हर मसीह भाई की शादियां हो जाए पिता, होने दे पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। जो रात में डरते हैं, रोते हैं, घबराते हैं पिता, जो नहीं सो पाते हैं पिता, आपके नाम से पिता आपके लहू का बाड़ा उनके चारपाई के पास बांध देते हैं पिता। पिता जब वे लेटे उन्हें सुख की नींद आने पाए मेरे स्वामी, जैसा कि पिता आपने कहा है अपने वचन के माध्यम से, जब तू लेटेगा तब तू भाई ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी। यस पिता, इस वचन के द्वारा पिता हर एक मसीह बहन के जीवन चमत्कार करने में मेरे पिता। पिता ये छोटी सी विनती आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। आमीन, 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 आमीन मेरे प्रियों।